नमस्कार, दिन के 12 बजने के साथ ही वक्त हो गया है इंडिया एट मिडडे का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, नायब सिंह सैनी 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण करेंगे सीएम पद की। शपथ लेंगे नायब सैनी, शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी भी मौजूद होंगे। हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर है, चूंकि कयास यही लगाए जा रहे थे कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे नायब सैनी, जो लगभग 8 महीने पहले जिनको सत्ता सौंपी गई थी, और अब ये कहा जा रहा है चूंकि उनके नेतृत्व में हरियाणा में चुनाव लड़ा गया और अब जिम्मेदारी भी यही होती है कि नायब सैनी को ही अब कमान सौंपी जाए। तो 17 अक्टूबर वो तारीख निर्धारित कर दी गई है जब नायब सैनी बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। तो देखिए, 17 तारीख निर्धारित की गई है शपथ ग्रहण समारोह के लिए, जिसमें कि खुद नायब सिंह सैनी शपथ ग्रहण करेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। इसके अलावा उनके साथ तमाम विधायक भी जो शपथ ग्रहण कर सकते हैं। 17 तारीख को मोटे रूप से फाइनल है कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का नोड हमको मिल गया है, तो 17 तारीख को पंचकुला में और मुख्यमंत्री जी और अन्य जो मंत्रिमंडल के साथी हैं उन सब का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में होगा। मोटे रूप से फाइनल है कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का नोड हमको मिल गया है, तो 17 तारीख को पंचकुला में और मुख्यमंत्री जी और अन्य जो मंत्रिमंडल के साथी हैं उन सब का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में होगा। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता वीना अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीना, 17 तारीख निर्धारित कर ली गई है, शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा, नायब सिंह सैनी एक बार फिर से राज्य की कमान संभालेंगे, क्या जानकारी उनके शपथ ग्रहण समारोह को लेकर? बिल्कुल, 8 भाजपा ने की सरकार बनाई, दूसरी बार मुख्यमंत्री मैंने पहले 12 फिर 15 अक्टूबर 12 अक्टूबर विजयदशमी जो मेरे पति तारीख को बदल दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री है वो विदेश है और उसके बाद देर रात दिल्ली जो गृह मंत्री अमित शाह चंदी केंद्रीय ने मौजूद था, उसके चलते उनकी जो सफर की तारीख है यह जो पंचकुला का दशहरा और वहां पर अमित प्रधानमंत्री नरेंद्र ने की सूचना। हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज को दुरुस्त किया जाए। इस बीच अपने तमाम दर्शकों को हम बता देते हैं कि नायब सैनी को फिर से हरियाणा की कमान सौंपी गई है। आपको याद होगा कि चुनाव से ठीक 8 महीने पहले किस तरीके से नायब सैनी को ही बतौर मुख्यमंत्री चुना गया था, उनके नेतृत्व में ही पूरा हरियाणा का चुनाव लड़ा था। आपको यह भी याद होगा कि जब रिजल्ट की घोषणा की जा रही थी और तभी अल सुबह ही किस तरीके से नायब सैनी ने बहुत सरल शब्दों में कह दिया था कि यदि सीटें कम आती हैं तो जिम्मेदारी मैं लूंगा। और एक बार फिर से हमें कह सकते हैं कि संगठन ने भरोसा जाहिर किया गया है नायब सिंह सैनी पर। तो देखिए, नायब सिंह सैनी को हरियाणा की कमान सौंपी जाएगी और 25 जनवरी को 1970 में किसान परिवार में जन्मे थे। अंबारा के मिर्जापुर गांव में सैनी परिवार में जन्म हुआ था नायब सिंह सैनी का। देखिए, यदि शिक्षा की हम बात करते हैं तो नायब सैनी ने बीए और एलएलबी में पढ़ाई की। सैनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से काफी लंबे वक्त से भी जुड़े हुए हैं, संगठन में काम करने का उनको लंबा अनुभव है और 2002 में राज्य अंबाला बीजेपी युवा शाखा के महासचिव थे। 3 साल बाद जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें मिली। हरियाणा बीजेपी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष और महासचिव रहे। 2014 में पहली बार नारायणगढ़ हरियाणा से विधानसभा पहुंचे थे। देखिए, 2014 से लेकर 2019 तक मनोहर सरकार में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। 2019 में कुरुक्षेत्र सीट से लोकसभा के लिए वे चुने गए। 2023 में सैनी को हरियाणा बीजेपी का प्रमुख बना दिया गया था। मार्च
2024 में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी बने। और देखिए नायब सैनी ने वो तमाम कार्यों को करके दिखाया, और सबसे बड़ी बात हम जिसे कह सकते हैं वो ये थी कि 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी थी जिसको लेकर ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं वह गले की फांस बीजेपी के लिए बन जाएगी, उन तमाम लूप होल्स पर नायब सैनी ने काम किया, कहीं ऐसी कोई दिक्कतें महसूस होने ही नहीं दी कि तीसरी मरतबा सरकार न बन पाए। और यही बड़ी वजह कि एक बार फिर से ताज नायब सिंह सैनी के सर पर सजा है। बिल्कुल, तो देखिए शपथ ग्रहण समारोह 17 तारीख को होगा और नायब सिंह सैनी मनोहर लाल खट्टर के बाद वो मुख्यमंत्री युवा चेहरा जो एक बार फिर से राज्य की कमान संभालने के लिए तैयार है। तो फिलहाल देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ तमाम गणमान्य लोग मौजूद होंगे, शपथ ग्रहण समारोह भव्य रखा जाएगा। और देखिए हरियाणा में तीसरी मरतबा सरकार बन रही है। यदि आपको याद होगा 2019 में जेजेपी के सहयोग से सरकार बनी थी, तब कहीं ना कहीं किंग मेकर की भूमिका में क्षेत्रीय पार्टी जेजेपी था, लेकिन इस बार जेजेपी का सूपड़ा साफ हो गया और बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। हालांकि आबो हवा कह सकते हैं, चाहे बात एग्जिट पोल की हो या फिर तमाम सर्वे की हो, हवा चल रही थी कांग्रेस के पक्ष में, लेकिन तमाम हवा को तमाम बातों को धता बताया बीजेपी ने और एक बड़ी जीत हासिल की हरियाणा में। बिल्कुल, तो देखिए सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण करेंगे 17 अक्टूबर को, और यही खबर बार बार हम आपको बता रहे हैं, 17 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो देखिए फिलहाल 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको बताते चलें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत के साथ जीत हुई, 7 सीटों से कांग्रेस पार्टी को पछाड़ दिया बीजेपी ने, और उसके बाद इस बार ये पहली बार है जब अपने दम पर खुद भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बना पाई है। इससे पहले अगर हम बात करें तो जेजेपी के साथ अलायंस था और अलायंस की सरकार बनी थी उस दौरान, लेकिन अब इस साल बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने में सफल रही है और 47 सीटें बीजेपी ने 90 सीटों में से जीत ली है। बहुमत का आंकड़ा पार करने के साथ ही वो तस्वीरें आपने देखी थी 8 तारीख को की, खुशी की लहर दौड़ गई थी भारतीय जनता पार्टी में और हरियाणा सरकार में।